उन्नतिशीलता तथा अंध स्थिति पालन दोनों परस्पर विरोधिनी शक्तियां हैं। हम यह नहीं कहते और न यह चाहते हैं कि भारतवासी यूरोप वालों के अवगुणों को भी ग्रहण कर ले, और न हम यह चाहते हैं कि अधिकांश यूरोप निवासियों के समान हम सब सामान्य अर्थों में लामजहब हो जाएं। किंतु हम यह भी कहे बिना नहीं रह सकते कि जो लोग कुछ युवकों को सड़ी गली हानिकारक रूढ़ियों को तोड़ते हुए देखकर चिल्लाने लगते हैं कि कौम डूबी कौम डूबी, वे चाहे कितने भी देशभक्त क्यों न हो किंतु राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता के वास्तविक अर्थों को कदापि नहीं समझते। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं। हम इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक उन्नत राष्ट्र में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को मजहबी विचार रखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, किंतु हमारे दुखित हृदय से आज यह आवाज उठे बिना भी नहीं रहती कि आज शताब्दियों से मजहबी झगड़े हमारी देश की अधोगति का एक मुख्य कारण है। देशभक्त हिंदुओं तथा देशभक्त मुसलमानों को दोनों को अपने अपने मजहबों पर दृढ़ रहते हुए भी स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा हिंदू कर्मकांड तथा हिंदू रस्मों रिवाज अथवा मुस्लिम कर्मकांड तथा रस्मों रिवाज की रक्षा करने के स्थान पर देश तथा राष्ट्र की रक्षा करना अपनी तथा मनुष्य जाति की उन्नति के लिए कहीं अधिक आवश्यक है। जो हिंदू स्वराज्य अथवा हिंदू साम्राज्य के सपने देखते हैं वे ऐसे ही भ्रम में हैं जैसे टर्की को अपना वतन समझने वाले भारतीय मुसलमान। हम मजहब की वास्तविक स्पिरिट को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं, किंतु जो मजहब हमें उदारता नहीं सिखाता और विचारों का भेद होते हुए भी निज देशवासियों को अपनाना नहीं बताता, वह इस 20वीं शताब्दी में तिलांजलि देने योग्य है। इस प्रकार जो विचार हमें सार्वजनिक समता के पवित्र सिद्धांत से हटाकर ऊंच नीच के गड्ढों में गिराए रखते हैं अथवा हमारे मार्ग में रुकावट डालते हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर डालना ही इस समय राष्ट्र संगठन के कार्य को सच्ची सहायता देना है। अंत में मैं इस लेख को समाप्त करते हुए भारतीय युवकों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश के नवयुवकों, जब एक बार तुम विचार पूर्वक अपनी आत्मा के भीतर अपने जीवन के उद्देश्य को स्थिर कर चुको तो फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हारे पैरों को आगे बढ़ने से न रोक सके। उस उद्देश्य को अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा पूरा करो। चाहे तुम पर प्रेम की वर्षा हो, चाहे घृणा की बौछार, चाहे दूसरों की सहायता द्वारा तुम्हें बल प्राप्त हो, चाहे तुम्हें उस शोकमय निर्जनता में रहना पड़े जिसका प्राय सर्वदा ही निज आदर्शों के लिए शहीदों को सामना करना पड़ता है। तुम्हारे सम्मुख तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, फिर तुम कायर हो तथा स्वयं के लिए तथा अपने देश के भविष्य के लिए घातक हो यदि तुम कष्टों तथा आपत्तियों के होते हुए भी अंत तक उस मार्ग का अनुसरण न कर सको। हमारा आशान्वित हृदय भीतर से साक्षी देता है कि हमारे राष्ट्र की आशा के स्तंभ हमारे नवयुवक इस लांछन के कदापि भागी न होंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, राष्ट्र की आशा।